आई जस्ट फ्रीकिंग लव दिस. मुझे ये टच करना है लेकिन स्मेल ही है. आई जस्ट सॉ सम ऑफ हाउ. ओह माय गॉड, वो खड़ी हो गई, मुझे मारने लगी थी टक्कर. वेल, अभी मैं और असदुल्ला जा रहे हैं सिटी में एंड वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड और दादाज इंसेक्टर्स होम. सो आई एम रियली सुपर एक्साइटेड बिकॉज अच्छा ये दरख्त आई थिंक बहुत 100 साल पुराना, लाइक 400-500 साल पुराना, 400 साल पुराना. सो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं. सो हम लोग भी बचपन में आते थे और बचपन में बहुत सा डिफरेंट सा होता था ये. यहाँ पर झूले काफ़ी ज़्यादा होते थे, जलेबियाँ, समोसे और डिफरेंट किस्म की यू नो स्टॉल्स लगते थे और शॉप्स होते थे. लेकिन है टाइम चेंज हो गया और अब थोड़ी सी यहाँ पे भी तरक्की हो गई है. बट आई एम मूविंग टूवर्ड दैट सिटी और सिटी में जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके मैं अपने दादा का घर ढूँढूँगा बिकॉज दादा का घर भी 100 साल पुराना है. सो भी देखते हैं, वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन. अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं और हमें एक बुज़ुर्ग मिले हैं. सो आई एम जस्ट गोना आस्क हिम, बल्कि वो तो जा रहे हैं. बाबा जी तुसी इत्थे दियो इत्थे. चलो शुक्रिया. ओके सो उसे नहीं था पता एंड वी आर जस्ट गोइंग टू आस्क समबडी एल्स. And all right guys, so I just came on the place और यहाँ पर आकर they have like यहाँ पर वडेरा आई थिंक होते हैं गाँव के, ये क्या होते हैं जो डेरा. ओके All right guys, so अभी ये जो आप लोग जिन लोगों से मिले हैं बेसिकली ये शैतान थे एक्चुअली में. हम लोग हाँ, मैं ऑनेस्टली कहूँगा दे आर शैतान. और वो जो शियार सा आदमी था वो आई थिंक मेक फन कर रहा था कि आपने फलाने से मिलना है. सो मैंने कहा हेलो सर रिलैक्स, मुझे नहीं मिलना, बाय बाय. सो ये चीज़ होती है कि गाँव में आज भी वो सेक्टर है कि यू नो जहाँ पे वडेरे एंड ऑल दैट स्टफ और वो अपना एक रोब एंड ऑल दैट इस तरह का रखते हैं. लेकिन इन चीज़ों से निकले और असल में बैकवर्ड्स एरिया है सो वी कैन डू एनीथिंग. लेट्स सी आगे मूव करते हैं और हम लोगों को कोई मिलता है मकान के नहीं, ढूंढ रहे हैं अभी तक. एंड अगर मिल गया सो गुड लक, अगर नहीं मिला सो बैड लक. हम लोग चले जाएंगे यहाँ से. सो मूविंग ऑन, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी. ऑलराइट गाइस, सो अभी एक अच्छी इलामत हम लोग को मिली है, दैट इज़ कि यहाँ पर मस्जिद है. राइट, सो मस्जिद के पास घर था इतना मुझे पता चला है. और मस्जिद के पास घर था, ये मस्जिद का गेट है, ये मस्जिद है सारी. सो मस्जिद के पास इनका घर था लेकिन अभी तक घर नहीं मिला. आई थिंक हम लोग बिल्कुल नियर बाय हैं और लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी. बट वी डिडंट फाइंड येट द होम्स और ये गली क्लोज है आगे से. सो गोइंग बैक. वेल गाइज, एज यू गाइज कैन सी माई फेस राइट नाउ इज सो मच नम और बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट स्ट्रोक हुआ है यहाँ पे. सो द थिंग इज दैट के माई बैड लक इज़ दैट के आई डिडेंट फाइंड दैट होम और नहीं मिला मुझे घर. बट द थिंग इज गुड थिंग इज़ दैट के एक्चुअली एटलीस्ट मैं मस्जिद के पास गया हूँ. सो दे आर लिविंग अराउंड एंड सराउंड जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मकान बन गए हैं. सो आई डिडेंट फाइंड दैट. लेकिन गुड थिंग इज़ दैट के आई कम हियर एंड मैं आ गया उनके गांव में, ये अच्छी चीज़ है. सो क्या ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्यूबवेल और शावर लेने क्योंकि ट्यूबवेल गांव में आए और ट्यूबवेल पे ना नहाएं सो गांव आए क्यों. सो अभी हम लोग शावर लेने जा रहे हैं गांव में एंड ट्यूबवेल में. सो ये एक बड़ा फन फैक्टर है एंड आई होप अगेन आई एम सेइंग दैट के जो जो मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं वो ज़रूर याद करेंगे. सो अभी हम लोग ट्यूबवेल पर जा रहे हैं. सो एज यू गाइस कैन सी मेरे पीछे खेत और पतली सी बननी है जिसपे मैं जल के नहीं, हाँ जल भी रहा हूँ. वेल एक्चुअली बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है और जल भी रहा हूँ और चल भी रहा हूँ. सो क्या close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go,
through the highways till my shadow turns to sun rays. Here is the fresh gober. Not fresh, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है और ये basically ये जामनू का शहर नहीं, जामनू का दरख्त है और यहाँ पर जामनू लगते हैं लेकिन अभी कच्चे हैं. सो अगेन तो अलॉट ऑफ मेमरीज़ बिलोंग टू हेयर एंड बहुत ज़्यादा मेमरीज़ हैं. और अभी मैं आप लोगों को अगर फ्रेश गोबर भी दिखाऊं एंड कोज गायें भी दिखाऊं. सो ये गाय मुझे बड़े ज़ोर से देख रही है एंड वी हैव ट्रैक्ट ओवर हियर एज वेल द फ्रेश कोज. और मुझे डर लग रहा है मुझे मारेगी बिकॉज द वे शी इज़ लुकिंग एट मी इज़ लाइक ओह हिलेरियस. सो Yeah, I'm super excited because अभी ट्यूबवेल में नहाएंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट अरे ये तो टांग तैयार कर रही है मुझे मारने के लिए. सो वेल अभी आ गया मैं यहाँ पर एंड आई एम जस्ट गोना चेंज द क्लोथ्स. और कपड़े चेंज करने के बाद आई एम जस्ट गोना टेक शावर इन ट्यूबवेल एंड बच्चे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये नहा के आ गए. सो इट्स टाइम फॉर अस. ये बच्चा इतना अच्छा है, ये मेरे लिए इतनी दूर से अंबी लेकर. थैंक यू सुफियान. द थिंग इज़ दैट कि अभी यहाँ से नहा लिया और अभी हम लोग जाएंगे वापस दरबार पर और वहाँ से पानी लंगर खा कर फिर घर वापस चले जाएंगे. सो लेट्स सी, लेट्स जस्ट मूव ऑन देयर एंड आफ्टर दैट आई शो यू गाइस. तो जाते जाते मैं ट्रैक्टर पर बैठा हूँ और ड्राइविंग तो मुझे आती है लेकिन ट्रैक्टर चलाना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ड्राइविंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो ये है ट्रैक्टर जो कि मैं नहीं चलाऊंगा लेकिन प्रिटेंड करूंगा कि मैं चला रहा हूँ इसे. सो क्या अभी हम घर की तरफ रवा दवा हैं और बस जा रहे हैं, बल्कि निकल रहे हैं गांव से और निकल रहे हैं हम लोग पीछे खेत और सब कुछ छोड़ रहे हैं और अब घर जा रहे हैं. सो बाकी बातें घर पर जाके करते हैं एंड बड़ा अच्छा दिन गुजरा है आज मेरा फैमिली के साथ स्पेशली मेले में. सो आई रियली इन्जॉय अलॉट. आज का दिन बड़ा मज़े का गुजरा और अच्छा गुजरा, खेतों में नहा कर खाना खा कर एंड अलॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो लेट जस्ट मूव ऑन, अब जीराबाद वापस जाते हैं तो घर जाके आप लोगों से होती है मुलाकात. सो पीस आउट. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. This is called real village. और इसे कहते हैं गांव की ज़िंदगी जहाँ के आप लोग बेर मेर मुआशी और गधे भी बीच में हैं, बैल भी बीच में हैं और तुम्बे भी बीच में हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड रियल लाइफ ऑफ लाइफ इन विलेज इन पाकिस्तान, विलेज लाइफ इन पाकिस्तान. ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं घर पर आ गया हूँ और आज बहुत ही टायरिंग डे था और आप लोग देख सकते हैं कि मैं फेस से थोड़ा सा नम लग रहा हूँ. सो नबील नहीं था, गया नबील तुमने बहुत ज़्यादा मिस कंटेंट किया है वहाँ पर
वहाँ पर मैं ट्यूबवेल में नहाया, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प फन किया और बहुत 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 मज़ा आया. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस ब्लॉग. आई होप यू गाइज रियली 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 इंजॉय दिस. इफ यू गाइज रियली लाइक दैट मेक श्योर टू डू मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज आमिर डार व्लॉग्स. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुँच जाए. सो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.